टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता छोड़ें। रेडिएंट एजुकेशन आपके लिए लेके आया है इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस। इन सभी फैकल्टी के साथ बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। पता है भैरोपट्टी चौक सुधा मेडिकल के पास। कॉन्टैक्ट नंबर है 7737437982। दूसरा मोबाइल नंबर है 9999807927। रेडिएंट एजुकेशन ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो कि नामांकन की सुविधा काउंसलिंग के थ्रू और मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू होती है। हमारा ये ऑफिस दरभंगा में भैरोपट्टी चौक नियर सुधा मेडिकल हॉल में है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी परामर्श केंद्र उपलब्ध है, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा NIRF रैंकिंग कॉलेजेस, NBA रैंकिंग कॉलेजेस और NAC A ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशन की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं हैं, स्टूडेंट को किस तरह लाभ मिलता है, ये सारे परामर्श हमारे सेंटर में दिए जाते हैं। देसी चुलाए शराब के साथ दो शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। सिमरी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 11 लीटर देसी चुलाए शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि बलिया में सौगारत महतो के यहां शराब बिकने की जानकारी मिलते ही सिमरी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुँच गई। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसके घर के पास रुकी कि उसके घर से दो व्यक्ति भागने लगे। पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े गए बलिया के सौगारत महतो के अलावा दूसरा व्यक्ति माधोपुर निवासी नागेश्वर शाह बताया गया है। सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत, दो लोग हुए जख्मी। अतरबेल बिशनपुर जाने वाली पथ पर हुई घटना। अतरबेल बिशनपुर पथ पर सिमरी थाना क्षेत्र के अरय नया टोला के समीप सढ़वारा की ओर से आ रही अनियंत्रित बाइक ने सड़क के किनारे बातचीत कर रहे तीन युवक को रौंद दिया। घटना में एक युवक की मौत मौके पर हो गई, वहीं दो लोग जख्मी हो गए। मृतक की पहचान अरय के राम प्रसाद सहनी के पुत्र विष्णुदेव कुमार सहनी के रूप में हुई है। वहीं घटना में जख्मी महेश सहनी व राजू सहनी का इलाज सिंहबाड़ा CHC में कराया गया है। दरभंगा में पिछले 24 घंटे में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साइंस डीन प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी समेत 5 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। मरने वालों में दरभंगा के 3, समस्तीपुर के 1, मधुबनी के 1 लोग शामिल है। वहीं जिला भर में हुए जाँच में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 97 लोग स्वस्थ होकर के कोरोना से जंग जीत लिए हैं और घर वापस गए हैं। होम आइसोलेशन में 944 लोग रह रहे हैं। वहीं एक्टिव केस 1012 है। DMCH में 68 मरीज भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। यह जानकारी सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा ने दिया। डैन बताकर के पड़ोसी ने किया महिला से मारपीट, डर से महिला वापस नहीं जा रही है अपने गांव। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड क्षेत्र के बासदेवपुर पंचायत के महेशपट्टी, जो केवटी थाना अंतर्गत आता है, जहां 29 मार्च 2021 को होली के दिन डैन के आरोप लगा करके राम उद्गार यादव की पत्नी प्रभा देवी को उनके पड़ोसी उमेश यादव एवं राम बालक यादव की परिवार के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें प्रभा देवी बुरी तरह से घायल हो गई, जिससे लोग आनंद फानंद में दरभंगा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 अप्रैल 2021 को बेता ओपी में फर्ज बयान पर मारपीट को लेकर के 4 पुरुष एवं 1 महिला पर मामला दर्ज भी किया गया। घायल प्रभावती देवी बताती है कि मेरे पड़ोसी
राम बालक यादव उमेश यादव के परिवार के द्वारा डैन के आरोप लगा करके मुझे बुरी तरह से मारा पीटा गया और लगातार अभी भी धमकाया जा रहा है, जिसके वजह से मैं इलाज कराने दरभंगा आई, उसके बाद मैं वापस घर नहीं जा रही हूँ। अभी भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को लेकर के दरभंगा के SSP और DSP को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग आरोपी है वह लोग धमका रहा है और मुझे जान की खतरा है। डैन डैन कह कर बरामदा पर से घींच कर नीचा लाया आ हमारा टेंगारी से काट दिलक अपने गौरी पर कटलक और कपार पर कटलक कपार पर कटलक हम गिर गए बेहोश भ के हम कुछ नहीं जाना के सब मरल के मारलक पहले उदय यादव तब अजय यादव बैजू यादव पवन यादव आ पवन यादव के कन्या मुन्नी देवी रहा से घर में से बक्सा पेटी लूट बाट लेलक तो उसके बाद कहाँ गेलिए वही के बाद हम हॉस्पिटल कथी से लौक आयल नहीं लौक आयल तब हम हॉस्पिटल में होश में आयी तब देखिए हम हॉस्पिटल में छी। तो कते दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहलिए हॉस्पिटल में एक महीना अभियो तक होश नहीं आयी तब एहि लेल थाना में आवेदन दिलिए थाना में सब कुछ दे दिलिए कागज पत्र सब कुछ दे दिलिए पता नहीं थाना वाला पाई लौक कुछ नहीं थाना वाला की कहे कुछ बजबे नहीं करे पकड़े अभी भी डर बनल है के? अभी घर पर हमारे कहते कि हमारा डर हो कहे सब धमकबे फिर एक मर्डर के सब धमकावे हैं उदय यादव अजय यादव बैजू यादव पवन यादव पुलिस के एतबे पहला चाहे कैठी लाने एतिक दबादा मार के हमारा छोट दबा के बरंदा पर धो दिल जब सुनवाई नहीं ले है तब प्रशासन कैला कोई हारने लो प्रशासन के सहारा नहीं है। लॉकडाउन में भी लगा दुनार चौक पर जाम, जाम से लोग हुए परेशान। बता दें कि दरभंगा शहर के दुनार चौक पर पहले तो लॉकडाउन नहीं था तो अक्सर जाम लग जाया करता था, जिससे लोग परेशान होते थे, लेकिन आज भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहां पर जाम लग गई है और घंटों भर लोग परेशान होते हुए नजर आए। बता दें कि दुनार रेलवे गुमती पर मालगाड़ी आकर के रुक गई, जो घंटों सिग्नल क्लियर नहीं होने के कारण रुकी रही, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग दुनार चौक पर जाम में दिखे। बता दें कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी यहां पर लोग जाम में फंसे हुए नजर आए। इस जाम की वजह से एक एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई नजर आई, जो दुनार चौक पर जाम में नजर आई। हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के मोरो थाना की पुलिस ने हसनपुर गांव के समीप बागमती नदी के किनारे बने एक फूस की झोपड़ी से 35 लीटर देसी शराब के साथ भारी मात्रा में शराब बनाने वाली उपकरण भी बरामद की है। तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस ने शराब बनाकर बेचने के मामले में हसनपुर गांव के 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें सरफी सहनी के पुत्र शिवजी सहनी व अरविंद सहनी, शिवजी सहनी के पुत्र सुदेश सहनी तथा टीपू सहनी के पुत्र रामनाथ सहनी के नाम शामिल है। थाना अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी फरार अभियुक्तों पर एक्सरसाइज एक्ट की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भेजी मदद। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर लाल दास के पहल पर कोविड सेंटर को मिला ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लक्सोमीटर एवं ऑक्सीमाक्स। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने कोरोना को लेकर के भारत में उत्पन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए मदद भेजना शुरू किया है। इस दिशा में दरभंगा जिला के तारालाही संतपुर विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर लाल दास के पहल पर अमेरिका में रहने वाले शशि
पी करना गोविंद मल्लिक फिलिप इनोलोल्ड डॉक्टर मिथिलेश दास डॉक्टर अर्चना झा वंदना दास इंदु दास राजेश लाभ कोलकाता से अर्नब दास एवं नेपाल से श्री रुधि के सहयोग से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला प्रशासन की देखरेख में जिला स्कूल लहरियासराय दरभंगा में संचालित कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर 100 फ्लोमीटर एवं 100 ऑक्सीमाक्स उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर राजकिशोर लाल दास ने स्वयं जिला स्कूल कोविड सेंटर पर पहुंचकर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण उक्त मेडिकल सामग्रियों का उपलब्ध कराया। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने उपलब्ध कराए 91 ऑक्सीजन फ्लोमीटर। जिला प्रशासन ने किया धन्यवाद ज्ञापन। मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार सरकार सह मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार संजय कुमार झा द्वारा अपने आकस्मिक निधि से 91 ऑक्सीजन फ्लोमीटर क्रय कर दरभंगा जिले के कोविड अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराया गया। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के इस संकट की घड़ी में मंत्री द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वांछित उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन दरभंगा ने मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया। बाढ़ निरोधक व बाढ़ सहायता कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों का होगा टीकाकरण। प्रखंडों में प्रारंभ हुआ सामुदायिक किचन। समरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बाढ़ निरोधक व बाढ़ सहायता कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों के टीकाकरण तथा प्रखंडों में बेसहारा लोगों के लिए चलाए जाने वाले सामुदायिक किचन को लेकर के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया अपर समर्थता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा एवं जिले के सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचल से बाढ़ निरोधक व बाढ़ सहायता कार्य में लगाए जाने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मियों की सूची प्राप्त हो गई है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि इन सभी को टीकाकरण 2 से 3 दिनों के अंदर करवा दिया जाए। मंत्री पंचायती राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त के साथ की ऑनलाइन बैठक। मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग अमृत लाल मीना भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री द्वारा जिला में किए जा रहे मास्क वितरण सैनिटाइजेशन कार्य जल जीवन हरियाली पंचायती राज भवन एवं पंचायती राज विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने पंचायत समिति स्तर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेड एवं अन्य आवश्यक सामग्री जो पंचायत राज विभाग द्वारा दिया जा सकता है उस पर सभी उप विकास आयुक्त को समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि कोरोना के दूसरे लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा जिला में जीविका दीदियों द्वारा निर्मित अब तक 11 लाख मास्क का वितरण किया जा चुका है तथा सैनिटाइजेशन का कार्य सभी ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। मास्क वितरण कार्य का जिला एवं प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण भी किया जा रहा है। दरभंगा जिला के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज भी उपस्थित थे। तीन शराब तस्करों सहित एक नशेड़ी को पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। नगर थाना की पुलिस ने एस ड्राइव के दौरान विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर शराब तस्करी में 2 वर्षों से फरार फरारी आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके तहत हसन चौक के गौरव खट्टिक रत्नोपट्टी के विक्की कुमार और इमली घाट गुल्लोबारा के चंदन राम को गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने की। वहीं लहरियासराय थाना के हरिनारायण सिंह ने बताया कि खाजासराय मोहल्ले से नशेली दवा रखने वाले टेबलेटिया नशेड़ी
सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया।